इमरान खान जिंदाबाद। आपका वोट बना हुआ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। 8 फरवरी को वोट डालेंगे? जी डालेंगे। किसको डालेंगे वोट? कैदी नंबर 804। भाई जन, कैदी नंबर 804 से बल्ला छिन गया है, अब किस पे डालेंगे वोट? बल्ला छीन भी गया है लेकिन वो हमारे दिलों में बसता है। इंसान के हाथ होते पंजे नहीं, शेरबाल के होते गंजे नहीं। बल्ला छीन लिया गया है, अब क्या होने वाला है? कोई बात नहीं, बल्ला छीन लिया क्या बात हुई, वोट तो इमरान खान का ही है। मोर इमरान खान की? हाँ। हमें तो पता, हमारे हलके में यासमीन राजदा करी है, हमें तो उसको वोट देना है, जो निशान मिलेगा हम देंगे उसको वोट। ये नून से शुरू होने वाले ना इनसे बच्चे महफूज, ना इनसे बच्चियां महफूज, ना इनसे बड़े महफूज, ना इनसे औरतें महफूज। इनका निजाम जो है ना जी, ये 85% लोग पाकिस्तानियों के हक पे डाका डाला गया है। इंशाल्लाह अल्लाह हक ही हम छीनते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका वोट बन गया है? जी मेरा वोट बना हुआ है। जनाब बल्ले का निशान जा चुका है, अब किसको वोट देंगे? बल्ले का निशान गया है ना, ले ले बल्ला। कोई बात नहीं, हम घर से तस्वीर ला के उस पर डब्बा लगा देंगे। ये डीजल, ये मोनोग्राम जो है ना, ये डीजल के ऊपर भी रखेंगे, हम उसके ऊपर भी मोहर लगा देंगे। डीजल के ऊपर भी मोहर लगाएंगे, जिसने हमको ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब सिखाया है ना, हम उसको ही वोट देंगे। वो और मजबूत हो गया, आज हमें खान की ताकत का ना पता चल गया है कि वो कितना बड़ा लीडर है और कितना मजबूत है। जो मर्जी कर रहे, जैसा हमारा कप्तान आरी गेंद कर लड़ा है ना, हम भी लड़ेंगे। आप भी लड़ेंगे इंशाल्लाह उसके साथ है। जो करप्शन का कीड़ा उड़ता है उसका पंगा इमरान खान के साथ, जो कीड़ा उड़ता है उसका पंगा इमरान खान के साथ, जो सच बोले उसको अंदर फेंको, उठाओ उसको उठाओ, जिसका मर्जी उठाओ, इंशाल्लाह ताला कप्तान के साथ है, कब्र की दीवारों तक इमरान खान के साथ। कब्र की दीवारों इंशाल्लाह आने वाली मेरी जो नस्ल भी है ना, वो भी इमरान खान के साथ है इंशाल्लाह। वो मोनोग्राम उठाए, हम मुजस्मे लगाएंगे इमरान खान के, इधर इधर भी लगाएंगे, इसमें यादगार में लगाएंगे। मैं तो कहता नॉर्वे एक साइड में ना उसकी इमरान खान की तस्वीर लगाएंगे। ये करे, मैं क्या करूं भाईजान, हमको अल्लाह की कसम इतना गुस्सा चढ़ा हुआ है ना इनके ऊपर। ओए अपने नबी को जवाब देना, तुमने हमें देना है, इमरान खान को देना जवाब, जवाब तो अपने नबी को देना है। उसको पकड़ो, उसको पकड़ो, क्या कर लोगे? हमें तो पता, हमारे हलके में यासमीन राजदा करी है, हमें तो उसको वोट देना है, जो निशान मिलेगा हम देंगे उसको वोट। जो उड़ता है उसका पंगा अंदर फेंक दो, ये कर दो वो कर दो, बल्ला छीन लिया छीन लो, ले लो बल्ला, जो निशान मिलेगा हम उसको मशहूर कर देंगे, क्या करोगे? ना नहीं, ये जितने वोटर है ना, जितनी आवाम है, ये सब की इन्होंने जान ली है। ये सिंबल तो एक निशानी होती है, बाकी तो इसको नहीं। दूसरा ये कि आज काजी साहब के सामने बरिस्टर गोहर के घर में हमला हुआ है, ये आम आदमी का क्या बनेगा? उसमें क्या एक्शन लिया? कुछ नहीं। आईजी साहब को जाके मामला सेटल कर लो, जाओ जाके इनको धमकिया दो, इनके बच्चे उठाओ, इनको सेटल कर लो। उसी वक्त ऑर्डर ऐसा देते, वही इलेक्शन कमीशन जो वकील आज मखदूम अली खान साहब खड़े थे, उन्होंने इलेक्शन ही नहीं करवाए। यही सुप्रीम कोर्ट थी, यही जज थे, यही पाकिस्तान था, यही बच्चे थे, यही आवाम थी, यही मीडिया था, सबको पता इलेक्शन ही। उसको किसी ने नहीं पूछा। भाई 8 डेट दे दिया, ये क्यामत की डेट दी है कि लोगों को पकड़ो मारो सारा कुछ करो, पाकिस्तान लूट के खा जाओ। 8 तारीख आ गई है, आपने डेट ये लेमल प्लेइंग फील्ड भी देनी थी ना, दो मार दो सबको, गोली मार दो, या तो सारी आवाम मारो ना। हकायक को कोई बंदा नहीं देख रहा। पाकिस्तान जाए बाहर में, इनको अपनी तनख्वाहें, अपनी मरात, अपना सारा कुछ चाहिए। इनके घर से भी इनको जूते पड़े ना तो उन्होंने फिर भी बाल नहीं आना, क्योंकि ये बिके हुए हैं, ये बेकारी हैं। एक बेकारी की मान मर्यादा होती है, वो दूसरे बेकारी की डोमेन में नहीं आता। तो ये तो किसी कोर्ट को भी नहीं मान रहे, ये वायलेशन कर रहे हैं ना किसी वकील। और कल को यही फैसला काजी साहब ने थूक के काटना है, रिवर्स करना है, दूसरी पार्टियों को बेनिफिट देंगे। किसी पार्टी ने यही इलेक्शन करवाए हैं? किसी ने पूछा है? जो मेंबर कहे काजी साहब, एक पहले कहते हैं मैं टीवी नहीं देखता, वो कौन है इमरान रियाज, और आज कहते हैं मैंने टीवी पर 13 देख भी लिया जो इन्होंने किया। कैसा तू काजी है, वाह काजी तेरा साहब। तो ये हम आवाम है, हम तेरी सारी बातें सुन रहे हैं। हमारे लिए काबिल इत्राम है, दिल में इत्राम है, इत्राम है, इत्राम इसलिए कि वो है अच्छी पोस्ट पे। इत्राम तो फैसले होते हैं, इत्राम को मैं झूठा हूँ, आप मेरे पे लानत पाएंगे, मैं भी झूठा हूँ ना, मैं काजी नहीं हूँ, मैं काम पाकिस्तान नहीं हूँ, मैं आपके सामने झूठ बोलूंगा मुझ पर लानत पा सकते हैं। इसने इतना बड़ा झूठ बोला, इतना बड़ा झूठ बोला, सुन भी नहीं सकते। तो ये तो खुद इनको अपने फैसले से बू आ रही है, पूछ के रात के 12 बजे डालते, ये दिन को डालते बंद कर दे, रात को लगाया करें, रात को हम सोए हुए हैं सुबह फैसला मिल जाए, रात को हम सोए हैं सुबह फैसला मिल जाए। ये दिन वाली अदालतें काजी साहब ये काट रही है, भी पास करें, दिन वाली अदालतें बंद कर दे, दिन वाला पाकिस्तान बंद कर दे, रात वाला पाकिस्तान चला, दिन वाला तो गरीबों का है। हम लोग सुबह उठते हैं, अपना काम करते हैं, मजदूरी करते हैं अपने बच्चों, रात को हमको रात को फैसले आ जाते हैं। ठीक है जी,
थैंक यू सो मच जी। अवाम का गुस्सा है, मैं अवाम को मना कर रहा हूँ कि चीफ जस्टिस साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन अवाम नहीं मान रही। अवाम कह रही है गुस्सा उनका जो बड़ा हुआ है वो आगे चलेंगे। मेरे सामने कुछ दुकानें भी मौजूद है, मैं चाहता हूँ कि आपको वहाँ पर भी लेकर चलूँ, मुकामी लोगों से भी पूछवाऊँ। आइए चलते हैं उनके पास और बात करते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम सर। वालेकुम सलाम जी, बिस्मिल्लाह जी। सर जी दुकान आपके सामने है, मुझे ये बताइएगा बल्ले का निशान ले लिया गया है, अब तो वोट किसको देंगे आप? देखिए फिरौन नून पे खत्म होता है। अच्छा, नून लीग नून से शुरू होती है। अच्छा, फिरौन खाली उस दौर के सिर्फ बच्चों को जिबा करता था, उठवा लेता था। ये नून से शुरू होने वाले ना इनसे बच्चे महफूज, ना इनसे बच्चियां महफूज, ना इनसे बड़े महफूज, ना इनसे औरतें महफूज। इनका निज़ाम जो है ना जी, ये 85% लोग पाकिस्तानियों के हक पे डाका डाला गया है। इंशाल्लाह अल-अज़ीज़ हक ये हम छीनते रहेंगे। वही लड़ाई है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की और यजीद की। लड़ाई किस बात की थी? सिर्फ कुर्सी की। मौला हुसैन लड़ते थे आयतुल कुर्सी के लिए, ये लड़ रहे हैं करप्ट कुर्सी के लिए, लूट मार वाली कुर्सी के लिए। मौला हुसैन की सुन्नत पूरी करते हुए आज हुसैनियत लड़ेगी इंशाल्लाह अल-अज़ीज़ हुसैन के नाना रियासत मदीना के लिए। यजीदियत लड़ रही है यजीद की रियासत शैताना के लिए। हम अपना हक नहीं छीनने देंगे इनके लिए। ये सारी जमातों का हाल देख लें, इनके लीडरान का हाल देख लें। और चाल तेरी भेडा वर्गी और नीयत दिया बघियाड़ा, सूरत तेरी वांग सूरा खा गया सारा वाड़ा। इमरान खान जिंदाबाद। जनाब आला बल्ला छीन लिया गया है, अब क्या होने वाला है? कोई बात नहीं, बल्ला छीन लिया क्या बात हुई, मोर तो इमरान खान का ही है। मोर इमरान खान की? हाँ। बैलेट पेपर तो बल्ला होगा नहीं, तो फिर किसका मोर लगाएगा? खड़े हो रहे हैं, उनको वोट देंगे। आप उनको वोट देंगे? इंशाल्लाह इमरान खान वोट देंगे, इंशाल्लाह वोट देंगे, वोट उनका ही है। ओ खुदा दे बंदे हो, ओदी पार्टी तोड़ती बंदा जेल से बचाता, फिर भी तुसी बाज नहीं आंदे, उनको वोट देना है। वोट इमरान खान का ही है, वोट इमरान खान का ही है, चाहे जो मर्जी हो जाए। हां जाज मीरवार खड़ेंगे, उनको वोट देंगे। यार लंदन से आपके लिए नवाज साहब खुद आए, उन पे मोहर लगाए, आप बल्ला छोड़ ही नहीं रहे यार। यार क्या बात होगी, वो भी अपनी सीट पे लड़े, ठीक है मुकाबला होगा, पता चल जाएगा कौन सीटें आ रही है, किधर आ रही है। आप बल्ले पे मिलावा कहीं पर मोर नहीं लगाएंगे? इंशाल्लाह बल्ले पे मोर होगा, सिर्फ इमरान खान का वोट है। 8 फरवरी को हमारा बल्ले पे ही होगा। ठीक हो गया जी, आगे चलेंगे जी और बात करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। आपका वोट बना हुआ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। 8 फरवरी को वोट डालेंगे? जी किसको डालेंगे वोट? कैदी नंबर 804। भाई जान कैदी नंबर 804 से बल्ला छिन गया है, अब किस पे डालेंगे वोट? बल्ला छीन भी गया है लेकिन वो हमारे दिलों में बसता है। क्या बात है, क्या बात है जी, आज आप तो बहुत खुश होंगे। खुश हैं हम लोग, दिल ही खुशी है हमें। किस बात की खुशी है? बल्ला इनको दिया है ना, दोबारा आ रहा है, किधर आ रहा है? सीट में दोबारा आ रहा है, इलेक्शन जीत के, आपको पता ही नहीं है। आपने यहाँ पे आते सर ये नारा लगाया शेर, कौन से वाला शेर? जो मुल्क में रहता है अपनी आवाम के साथ सुख दुख में खड़ा रहता है वो वाला शेर, या जो मुश्किल में आवाम को छोड़ के भाग जाता है वो वाला शेर? बात सुने, दोनों में से कौन सा शेर? एक शेर इलाज कराने गया था यार, कौन सा शेर? दोनों में से कौन सा शेर? नहीं नहीं शेर दोनों शेर है। उदी इंसान के हाथ होते पंजे नहीं, शेर बाल के होते गंजे नहीं।